हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉनस्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, इसकी स्थापना कर्नाटक में की जाएगी, और ये दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसकी स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। तो मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, इसकी स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। दक्षिण किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना लॉन्च की है? तो अरुणोदय योजना इससे लॉन्च किया है असम ने। तो असम ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया है, और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो गरीब परिवार हैं उन्हें हर महीने 830 रुपये इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। तो अरुणोदय योजना इससे हाल ही में असम ने शुरू किया है। बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। दक्षिण विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस ये हर साल 13 अगस्त को मनाते हैं। तो हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए इसे मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस ये हर साल 13 अगस्त को मनाते हैं। दक्षिण किस देश ने हाल ही में अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है इसराइल ने। तो हाल ही में इसराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। बात करें इसराइल की, तो इसराइल इसकी राजधानी है यरूशलम। यरूशलम इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। और इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी SS मुंद्रा को। तो SS मुंद्रा ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। दक्षिण किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गोवा। तो अभी में गोवा की तीन चीज़ों को GI टैग प्रदान किया गया है। गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया, और मिंदोली केला इसे मोयरा केला भी बोलते हैं। बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, तो इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछे कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। दक्षिण हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन है पंजाब ने।
तो हाल ही में पंजाब ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित किए हैं और इस स्मार्टफोन योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम इस स्मार्टफोन योजना का नाम है। तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट वितरित किए गए हैं। बात करें पंजाब की तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। दक्षिण इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइको ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन भी हरभजन सिंह को। तो ई बाइको ये एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है और ये अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं हरभजन सिंह। दक्षिण कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। तो अमृत योजना इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में शुरू किया था। शहरों में मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना के कार्यान्वयन में ओडिशा पहले स्थान पर है। बात करें ओडिशा की तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। दक्षिण हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है मालदीव ने। तो हाल ही में मालदीव ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। एक जापानी जहाज लगभग 4000 टन ईंधन लेकर जा रहा था और वो जहाज मालदीव के तट के पास फंस गया और ख़राब हो गया है और उस जहाज से लगातार ईंधन का रिसाव हो रहा है। तो इसीलिए मालदीव ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। बात करें मालदीव की तो मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की करेंसी है रुफिया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। दक्षिण मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने किसके द्वारा लिखी कविता संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है? तो कोरोना कविता काल इसके जो लेखक है वो है पी एस श्रीधरन पिल्लई। ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है कोरोना कविता काल। तो इस बुक को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉन्च किया है। दक्षिण किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मेघालय ने। तो हाल ही में मेघालय ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर एक नीति को मंजूरी दी है। बात करें मेघालय की तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। दोस्तों बात करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त पर संपत्तियों के लिए किसके निर्देशन में एक समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर था KV कामत। और दूसरा प्रश्न था CRPF के नए महानिरीक्षक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था PS रानी पसे को। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग प्रदान किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।